पार्टी नेता शामिल हुए। बड़ी खबर दिल्ली से। 5 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। खबरों के मुताबिक ममता बनर्जी शाम 4 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी। दिल्ली दौरे के दौरान ममता बनर्जी 28 जुलाई को बंगाल भवन में विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगी। उन्होंने इस मुलाकात के लिए न्योता भी भेज दिया है। इस बैठक को लेकर एक बार फिर ये कयासबाजी भी शुरू हो गई है कि क्या ममता 2024 के लिए एंटी बीजेपी फ्रंट बनाने की तैयारी में जुट गई हैं। आपको बता दें 28 जुलाई को शाम 4:30 बजे उनकी सोनिया गांधी से भी मुलाकात तय है और अपने इस दौरे के दौरान ममता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी भेंट करेंगी। खबरें ये भी हैं कि ममता सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं से भी मिलेंगी। 30 जुलाई तक वो दिल्ली में है। पश्चिम बंगाल चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर पहुंची हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी। 5 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री से तो मिलने का कार्यक्रम है ही, क्योंकि चुनाव के बाद पहली बार वो दिल्ली पहुंची है, लेकिन इस दौरान विपक्ष के नेताओं से भी मिलेंगी। और माना यही जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक विपक्ष की मोर्चेबंदी की कवायद ममता बनर्जी की तरफ से की जाएगी। ममता बनर्जी बार बार इस बात की वकालत करती रही हैं कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए लोकसभा चुनाव से पहले, और जिस तरह की जीत उन्होंने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में दर्ज की है उसके बाद विपक्ष के अंदर ममता बनर्जी की आवाज़ और बुलंद हो गई है। और विपक्ष के नेता भी मानते हैं दूसरी पार्टियों के